सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल। बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों के यूज़ किया जाता है, ये यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन अलग है और ये किस प्रकार काम करता है, तो बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया, अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करते हैं तो इसकी एमआरपी 27.50 यानी कि 27 रुपए के करीब इसकी एमआरपी है। बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल को सन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है। बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन ये प्रोप्रोनोलोल्स 20 एमजी कैप्सूल्स। बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट करती है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में, और प्रिवेंशन करती है माइग्रेन्स, एंजाइटी, आर्थेमिया या फिर हार्ट अटैक या फिर एंजिना यानी कि हार्ट के रिलेटेड जो सिस्ट पेन वगैरह होता है या फिर ट्रीमर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल का 200 ड्यूरेशन की बात करें तो इसका 200 ड्यूरेशन अपने डॉक्टर की देखरेख में ले। बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल किस प्रकार काम करता है, बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल के अंदर जो दवा रहती है यानी कि प्रोप्रानोल्स, वो एक बीटा ब्लॉकर से, यह दवा तंत्रिका आवेगों के लिए शरीर की प्रतिक्रिया विशेष रूप से हार्ट को प्रभावित करने का काम करती है। यह आपकी हार्ट की दर को धीमी करती है और हार्ट के लिए शरीर में रक्त पंप करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह एरिथमिया को रोकता है, यह ब्लड के बेहतर प्रवाह के लिए शरीर में रक्त वाहिकाओं को भी सोडा करता है, जिससे एंजाइना के साथ साथ माइग्रेन को भी रोका जा सकता है। बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल आपको कोई भी मेडिकल फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपने मन से बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर बताएं। बीटा कैप टी आर 20 एमजी कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।